सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज हम डोरमेट बनाएंगे। फ्रेंड्स, डोरमेट भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको, और टेबल मेट भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये बनेगा। तो ये देखिए, उसको बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए। हमारे पास ये मल्टी कलर की ऊन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास सिंगल हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे को क्लिप चाहिए इस तरीके से, पिन चाहिए सेफ्टी पिन, झाड़ू की हमारे को एक स्टिक चाहिए, पॉलोथीन चाहिए और एक सीजर चाहिए। पॉलोथीन आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये डबल मैंने पॉलोथीन लिया है, इसको हम इस तरीके से खोलेंगे। ये हमारा फोल्ड साइड है। अब इसको जो है हम इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखिए, इसको हमने ऐसे घुमाना है। ये देखिए फ्रेंड, इसको हमने रोल कर लिया है। रोल करने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, अब जो हमने स्टिक इसके अंदर डाली थी इसको हम बाहर के साइड में निकाल देंगे। ये देखिए, ये रोल हमारा जो है इस तरीके से बन गया। जो हमने क्लिप ली थी वो क्लिप को हम इस तरीके से लगा देंगे ताकि हमारा ये रोल जो हमने बनाया है ये खुले नहीं। ये इस तरीके से हमने स्टिक बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, स्टिक जो है हमने इस तरीके से बनानी है, जो हमें कुछ बना चुकी हूँ। अब इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे और इसको थोड़ा मोड़ देंगे। आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो आप कलर लगाएंगे। इसको यहाँ से हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको हम लपेटना। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड लपेटेंगे। अब जो है ये इसको हम ऐसे घुमाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे ऐसे करके। इसको ऐसे घुमाने के बाद अब जो है हम इसको यहाँ से काट देंगे। फिर हम यहाँ पर पिन लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। उसके बाद पिन लेंगे, पिन में हम एक नॉट लगा देंगे इस तरीके। थोड़ा लूज ही रखना, टाइट नहीं रखना, इसको बंद कर देंगे। अब इसको हम घुमाएंगे गोल, ये इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। और नीचे से जो है हम इसको ऐसे निकालेंगे इस तरीके से। इसको दो तीन बार जो है इसको हम करेंगे। स्टार्टिंग में जो है आप दो तीन बार इसको कर दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको यहाँ पर फिर ऐसे करेंगे। और कोई भी कलर जो है आप लेना चाहें वो कलर आप इसमें लगा सकते हैं। फिर दोबारा से फिर हम इसको इसी तरीके से लपेटेंगे। ये देखिए ऐसे करेंगे, फिर इसको हम फिर ऐसे ही घुमाएंगे। ये ऐसे कर इसको काट देंगे। ऐसे ही जो है हम फिर पिन डालेंगे और एक नॉट लगा के इसको अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, फिर हम ऐसे ही पिन को घुमाएंगे और बीच में से जो है हम लेते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे। फिर इसको हम निकाल देंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। फिर आप दूसरे कलर की आप ऊन ले सकते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ से करेंगे और इसको फिर हम इस तरीके से ही घुमाएंगे। ये वॉशेबल है फ्रेंड्स, आप इसको जो है धो भी सकते हैं। ये देखिए, फिर हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे। सेम ऐसे ही पिन लगाकर और इसको ऊपर से और नीचे से निकालेंगे। दो तीन बार आप इसको ऐसे अटैच करेंगे और इसको इस तरीके से आप घुमाते जाएंगे, जो मैं आपको कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना जो है मैं बना चुकी हूँ। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से ये एक जैसा दिखाई देगा आपको। अब जो है इसके अंदर हम जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट लगाने के लिए ये देखिए, जैसे हम दूसरा लेंगे रोल, इस रोल को हम इसके साथ ही ऐसे रख देंगे और तब हम इस पर धागा लपेटेंगे।
ये देखिए यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा धागा है इसको हम इसके ऊपर ही ले लेंगे और इसको ऐसे लेते हुए इसको बिल्कुल साथ साथ गैप ना आए तो इस तरीके से हमने इसको लपेटना है। ये देखिए फ्रेंड्स अब जो है हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और आप इसको थोड़ा सा खोलकर जो है आप इसको इस तरीके से लपेट सकते हैं। आप दोनों में से इसको कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब जो है हम इसको ऐसे ही लपेटेंगे जैसे हमने पहले लपेटा था। ये देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ से थोड़ा हमारे को टाइट करना है ताकि ये निकले नहीं। ये देखिए ऐसे करते हुए ये देखिए इतना होने के बाद आप इसे काट सकते हैं क्योंकि जितना आप गैप करना चाहें आप उसके हिसाब से आप इसको गैप करेंगे। यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे ही सेफ्टी पिन के साथ आप इसमें अटैच करेंगे इसको इस तरीके से और नॉट लगा देंगे। ये देखिए ऐसे और फिर जो बीच में से जो गैप है यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। ये ऐसे इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए ऐसे और इस पिन को जो है यहाँ से काट सकते हैं या ये नॉट अगर आपकी लूज हो तो आप ये इसको निकाल सकते हैं या फिर आप इसको काट सकते हैं। ऐसे ही जो है हम लगाते जाएंगे करते जाएंगे। आप जितना भी आप इसको बड़ा बनाना चाहें वो आप इसको बड़ा बनाते जाएंगे इसको लपेटते हुए। ये देखिए इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स धागा जो हम लपेटेंगे वो कहाँ तक लपेटेंगे। जैसे ये देखिए ये दो है एक डिज़ाइन तो एक डिज़ाइन के इसके बीच में जो है हमने यहाँ तक धागे को लपेटा और उसके बाद जो है हमने इसको यहाँ पर ये ऐसे कर अटैच कर दिया। ये यहाँ पर हम एक या दो बार आप इसको अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये करने के बाद अब ये जो है दूसरा कलर आप लगाएंगे तो वो कलर आपका यहाँ तक होगा ताकि ये जो है ये वाला जो हमारे डिज़ाइन बना ये भी एक अच्छी तरीके से आ सके। तो ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ पर लपेटना है फिर उसके बाद आपको धागे से यहाँ से करना है। फिर यहाँ से होने के बाद आप इसको जो है यहाँ तक लपेटेंगे फिर उसके बाद इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे बीच बीच में जो है गैप में आप इसको अटैच करते जाइए और इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब एंड में हमने क्या करना है एंड में इसको जो हमने अंदर की साइड में फोल्ड कर देना। देखिए जो हमने अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया फोल्ड करने के बाद इसको भी हम पूरा कवर कर देंगे। इसको इस तरीके से हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको हम यहाँ पर ऐसे ही अटैच कर देंगे और या फिर आप दूसरी निडल से आप इसको जो है यहाँ पर इसको कवर करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा जो है फिनिश हो गया। मैंने इसका छोटा साइज़ बनाया आप जो है बड़ा साइज़ भी आप इसका बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।